नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज और मैं रवि। कोरोना को लेकर जो पूरा देश में आप देख रहे हैं त्राही त्राही मचा हुआ है। लोग कहीं भूखे मर रहे हैं तो कहीं कोरोना से मर रहे हैं। उसी बीच हम आपको बिहार पटना से एक ऐसे कर्मयोद्धा की कहानी आपको सुनाते हैं। ये कर्मयोद्धा वो हैं जो दरोगा अभ्यर्थी हैं। दरोगा अभ्यर्थी जो हैं पटना की सड़कों पर अपने हक की लड़ाई को लेकर भी लड़ाई लड़े थे और लगातार पटना की सड़कों पर कई बार लंबा प्रदर्शन भी इनका जारी रहा था अपने दरोगा हक की लड़ाई को लेकर। लेकिन ये कर्मयोद्धा अब कोरोना की लड़ाई को लेकर भी देश भर में जो कोरोना की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी ने भी छेड़ा है और उसके उनके साथ ये खड़े उतरे हैं बिहार पटना से दरोगा अभ्यर्थी भी। और ये लगातार पाँचवा दिन इनका जो है लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा इस कर्मयोद्धा जी? बिल्कुल, जैसे कि मैंने न्यूज़ के थ्रू देखा कि जैसे लोग भूखे मर जा रहे हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जैसे आज कमाते हैं वो कल खाते हैं, तो उन लोग को काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने न्यूज़ में देखा तो मेरे अंदर ये बहुत ही ख़राब लगा कि लोग मर रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह से मदद पहुंचाने का कोशिश किए। इससे पहले जैसे अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि जैसे दरोगा परीक्षा में जो पेपर लिख हुआ था उसका भी मैंने आवाज़ बना था, जिसके वजह से मुझे बेउर जेल तक जाना पड़ा था। एक सप्ताह तक मैंने बेउर जेल में रहा। अभी फिलहाल खाना बंटवाने का आयोजन कर रहे हैं, आज मेरा लगातार पाँचवा दिन है। तो यही बताना चाहते हैं कि सरकार को भी कि सरकार को थोड़ा सा तत्परता और दिखाने की ज़रूरत है कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं और जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके वजह से जब हम लोग स्टूडेंट होकर रोड पर उतरे हुए हैं, जो कि हम लोगों ने खाना का आयोजन बहुत ही मुश्किल तरीके से किया है। खाना का मैंने आयोजन चंदा इकट्ठा कर करके किया है। कोई दोस्त जैसे 51 रुपया दिया, कोई 101 रुपया दिया, कोई 200 रुपया दिया, इस टाइप से करके मैंने खाना का आयोजन किया है। और लोगों को मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा है, क्योंकि खाना का मतलब यही ना कि केवल खाना बांटिए और सोशल डिस्टेंसिंग का जो कि केयर नहीं कीजिए। मैंने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए खाना बांटने का आयोजन किया है। नाम मेरा विकेश भट्ट हुआ। ना कि इस खास तौर पर ये वो विद्यार्थी हैं दरोगा अभ्यर्थी जो खुद 50 रुपये 10 रुपये कलेक्ट करके जो भूखे लोग हैं उनको खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं दरोगा अभ्यर्थी है, वो भी कुछ बोलना चाह रहे। सर, क्या मेन बात है कि भूखे लोग खाना खिलाने में बहुत खुशी मिलती है। विकेश भाई के द्वारा जो लगातार आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर लगातार मतलब भूखे लोग हम लोग खाना खिलाते हैं, बहुत खुशी मिलती है, बहुत ही नेक कार्य है। हमें लोगों से गुजारिश है कि जहाँ पे ही इस टाइप का कोई भी बंदा मिलता है, भूखा है, उन लोगों का सहयोग करें, खाना पीना खिलाएं, ठीक है। और इस कार्य से हमेशा जो हम लोग जुड़े रहेंगे, आगे भी एक प्रक्रिया चलते रहेगा। विकेश भाई का बहुत बड़ा योगदान है इस कार्य में, धन्यवाद। आपने सुना कि किस तरह से लोग जो है सोशल डिस्टेंस का भी हम दिखा दें आपको कि किस तरह से पालन कर रहे हैं। उन्होंने सर्कल बनाकर लोगों को सर्कल में रहने को कहा है, सीधा तौर पे को सर्कल में रहें ताकि वो जो प्रधानमंत्री का जो मूल मंत्र है कोरोना को हराने का कि सोशल डिस्टेंस को हर हाल में पालन करना है, वो लगातार सोशल डिस्टेंस का देख रहे होंगे कि पालन करते हुए वो विद्यार्थी जो हैं दरोगा अभ्यर्थी लगातार लोगों के बीच में आज पाँचवा दिन खाने का वितरण कर रहे हैं। आगे